1 of the constitution, right to life. Okay, this is the article 21 of our constitution, right to life, and it incorporates the public trust doctrine. I think everybody is aware of what this is. I am saying that what kind of laws will you propose to help protect our resources, natural resources that is, using article 21 and the doctrine of public trust to ensure security, regeneration and conservation of environment. How will you promote implementation of the doctrine of public trust, especially in urban India, where there is a conflict of interest for using land for construction? How will you ensure that there is a robust legislation for this? Because right now actually the Supreme Court uses Article 21 and the doctrine of public trust and rules in favor of environment, but they have to really pull it there. There is no law specifically which says that it has to be done like this. So this is the question they are asking. जैसे मैंने पहले दो चीजें कही थी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में और उसी तरीके से खनिज के बारे में जो लोकल समूह है गांव समाज जो है उनको ही अधिकार होना चाहिए इसका गांव समाज के विकास के लिए कैसे होने हो जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मेजर खनिज संपत्ति उसके बारे में अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ निर्णय करता है तो एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर गांव समाज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर कहा गया हो कि उसका इस्तेमाल कैसे हो वो जुडिशियसली होना चाहिए और ज़्यादातर लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए होना चाहिए वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होना चाहिए अगर कुछ उद्योग जगत को भी उससे कुछ लाभ देना है तो भी वो फेयर प्ले ग्राउंड के आधार पर होना चाहिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में कोई नया कानून बनाने की जरूरत है इस जो पुराने कानून है उस पर अमल नहीं हो रहा है जो लोग अमल कर रहे हैं वो उन्हें कैपिटलिज्म के चलते अपनी मर्जी के घरानों को इस पूरी तरह से लूट करने की मुहा दे रहे हैं तो जो कानून है उस पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है वो अमल हो इसके लिए प्रभावी जन आंदोलन की जरूरत है उसमें स्टेक होल्डर जो है वो ज्यादातर गांव समूह है और जो पूरा अपना देश है देश के मध्य भाग में रहने वाले आदिवासी है जो ये ज्यादातर भुगत रहे हैं और उसी के चलते नक्सलवाद की भी समस्या है मछुआरे भी भुगत रहे तो जो दो तीन चीजें मैंने कही उसी के आधार पर सरकार विश्वस्त वृत्ति से बुनियादी जरूरतों के लिए ही और फेयर प्ले ग्राउंड के आधार पर इस नैसर्गिक संसाधनों का इस्तेमाल करे इसके लिए एग्जिस्टिंग कानून जो है उसके लिए एक कड़ाई से पालन करने के लिए जन आंदोलन एक दबाव सरकार की नीतियों पर रखना चाहिए अर्बन इंडिया में बहुत सारे सवाल है जैसे पुणे के अंदर बीजेपी का सवाल है आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले बीजेपी के सवाल पर अपनी राय दे दी है लिखित रूप में प्रेस नोट थी वो पब्लिश हुई थी यहाँ स्पेसिफिक जो पुणे का सवाल है बीजेपी के बारे में वहाँ किसी भी तरह से नए कंस्ट्रक्शन को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए जो स्टेक होल्डर किसान है उनको जैन समिति का जो अहवाल है उसके अनुसार तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए और एक पर्यावरण की रक्षण की भूमिका लेकर बीडीपी को बायोडाइवर्सिटी पार्क को मेंटेन करना चाहिए तभी हम सब लोग भविष्य में जी पाएंगे स्पष्ट भूमिका उसी तरह से जो बाकी भी चीज है नदी है नाला है वो एक अपने नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत उनको चलने देना चाहिए अभी इसमें इतना बिगाड़ आया है दो तीन चीजें कि पुणे की जो नदी है मैलापानी बिना प्रक्रिया के उसमें छोड़ा जा रहा है मैलापानी प्रक्रिया के बारे में जो नीति सरकार की होती है हमेशा कि बड़े प्रकल्प लाओ बड़े टेंडर्स लाओ उसमें करप्शन होता है तो छोटे छोटे यूनिट्स करके और वो डिसेंट्रलाइज तरीके से इन सभी सवालों पर हल मिल सकता है लेकिन इस पर जो प्रशासन है महानगर पालिका हो या स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है तो हमारी नदी एक तो मैलापानी प्रक्रिया के वही से उसी तरीके से छोड़ने के कारण बिल्कुल एक गटा गंगा बन रही है और दूसरा जो डैम्स बने हैं तो डैम्स के कारण भी नदी का जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है लेकिन अभी डैम तो बन गए डैम के बारे में जो आंदोलन चलते थे तो हम लोगों को विकास प्रक्रिया के विरोधी मानकर हमारे ऊपर एक तरह से आरोप होते थे तो डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण भी नदी का नेचुरल फ्लो कायम नहीं है फिर मैला पानी उसे छोड़ने के कारण है तो ये पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की जरूरत है पर्यावरण के चलते ये पूरी जो नैसर्गिक स्रोत है उसको अपने सही रूप में नैसर्गिक रूप में मेंटेन करने की जरूरत है लेकिन फिर मैं वही दोहराऊंगा कि इसमें
इच्छा शक्ति की कमी है, इसमें और कोई कानून की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, इसमें इच्छा शक्ति की कमी है। वो इच्छा शक्ति लोगों के अपने जन आंदोलन से इच्छा शक्ति निर्माण करनी पड़ेगी राजनेताओं के बीच। Okay, I think we'll move on to the next one, which is the